ग्रीन लाइन का इशू वैसे तो बहुत पुराना हो चुका है, पर अभी भी लोग इसे फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लगभग एक साल पहले जो ग्रीन लाइन पर वीडियो बनाए थे उन पर यूजर अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि हमें ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है। और ऐप पर भी रोज नए पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जहां पर यूजर अपने फोन की फोटो शेयर कर रहे हैं जिसमें ग्रीन लाइन का इशू आया हुआ है। मतलब अभी भी हम मान सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन का इशू है ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है और इसे बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। और सभी लोग तो एक्स पर या सोशल मीडिया पर फोटो शेयर नहीं करते हैं, तो समझ लो अभी भी बहुत से यूजर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पर ये प्रॉब्लम ज्यादातर पुराने फोन में ही देखी जा रही है। जैसे OnePlus की बात करें तो OnePlus 9R में ये इशू सबसे ज्यादा आया है और इसी डिवाइस में लोग अभी भी ये इशू फेस कर रहे हैं। पर लोगों का सवाल ये है, क्या नए फोन में भी ये इशू आ सकता है? और जो अभी एक दो साल पहले फोन लॉन्च हुए हैं, क्या उनमें ये इशू आने की संभावना है? तो इन सभी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है और वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे हो सकता है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मैं जब भी किसी भी OnePlus के फोन पर वीडियो बनाता हूं तो कोई ना कोई कमेंट कर ही देता है कि इस फोन में ग्रीन लाइन का इशू तो नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये इशू सिर्फ OnePlus के फोन में ही देखने को मिला है, पर ग्रीन लाइन को लेकर सबसे ज्यादा बदनामी OnePlus की हुई है। अगर हम बात करें ये फोन में ग्रीन लाइन आती क्यों है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं और अभी तक किसी भी ब्रांड की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये ग्रीन लाइन का इशू क्यों आता है। सभी ब्रांड और लोग अलग अलग टाइप की बातें कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं ये लिक्विड डैमेज के कारण ग्रीन लाइन आ जाती है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं चार्जिंग के टाइम फोन हीटिंग होने से ग्रीन लाइन आ जाती है। पर ज्यादातर केस में ये देखने को मिला है कि जब फोन में कोई अपडेट आता है और फोन को हम जब अपडेट कर लेते हैं तो उसके बाद ग्रीन लाइन आ जाती है। और कुल मिलाकर रीजन कुछ भी हो, यूजर की गलती इसमें बहुत कम होती है। पर अच्छी बात यह है कि बहुत से ब्रांड ने इसको लेकर कुछ स्टेप भी उठाए हैं और कस्टमर को फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। पर जो भी ब्रांड ये फैसिलिटी दे रहे हैं वो सिर्फ अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूजर को ही दे रहे हैं। OnePlus भी सिर्फ OnePlus 8 के बाद लॉन्च हुए फोन जैसे कि OnePlus 9 सीरीज, 10 सीरीज, 11 सीरीज और 12 सीरीज को ये फैसिलिटी दे रही है। पर अगर आप OnePlus की Nord सीरीज का फोन यूज करते हो और उसमें ये इशू आ जाता है तो उसमें आपको फ्री रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा अगर आपका फोन वारंटी के बाहर है तो। वहीं अगर Samsung की बात करें तो Samsung के भी काफी फोन में ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है। M सीरीज में काफी ज्यादा देखने को मिला है, कुछ A सीरीज के फोन में भी देखने को मिला है, पर Samsung सिर्फ कुछ S सीरीज के यूजर को ही फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी दे रहा है और बाकी कुछ ब्रांड भी सेम रास्ते पर चल रहे हैं। तो अब बात करते हैं जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि OnePlus के नए फोन अगर हम बाय करते हैं तो उसमें भी ग्रीन लाइन का इशू आ सकता है क्या? तो देखिए, गारंटी तो किसी चीज की नहीं दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी ब्रांड के किसी भी फोन में आ सकती है, वो चाहे फोन वारंटी में हो या वारंटी के बाहर हो। पर एक बात जरूर बता सकता हूं, जो अभी नए फोन लॉन्च हो रहे हैं या जिन फोन को लॉन्च हुए एक साल दो साल हो गए हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिली है। कुछ केस में जरूर हो सकता है, जैसे कि अभी जो OnePlus 12 लॉन्च हुआ है और उस तक में ग्रीन लाइन का इशू आ चुका है, पर जो कुछ समय पहले सेम डिवाइस में बल्क में इशू देखने को मिल रहे थे वो अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। पर अगर फिर भी ये इशू आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका फोन फ्लैगशिप भी नहीं है, आपका फोन वारंटी के बाहर है, तो फिर आपको अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं कंप्लेन भी करोगे तो इसका सॉल्यूशन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक साल की वारंटी देती है और अगर वारंटी के बाद आपके फोन में कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड की बहुत कम हो जाती है। और अगर वारंटी में आपका फोन होता है और कुछ इशू आ जाता है तो आपका फोन फ्री में ठीक हो जाता है, पर इसकी गारंटी भी 100% नहीं होती है, क्योंकि कई बार देखा गया है सर्विस सेंटर कुछ ना कुछ बहाने बताकर आपके फोन में कुछ भी इशू निकाल सकते हैं। जैसे कि कई बार बोल देते हैं कि फोन गिरा हुआ है, फोन में डेंट आ चुका है, फोन में बहुत ज्यादा स्क्रेचेज आ चुके हैं, या कई बार लिक्विड डैमेज का इशू ये बता देते हैं। तो ब्रांड के पास हजारों रीजन हो सकते हैं आपके फोन को अगर वारंटी में ठीक नहीं करना है तो, पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आप एक महंगा फोन खरीद रहे हो और सोच रहे हो इस फोन को मैं 3 साल 4 साल 5 साल तक आराम से यूज करूंगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इतने सालों तक वो आपका साथ निभा पाएगा। बाकी ये जो संभावना है ये बहुत कम है, और इस डर से क्या हम फोन यूज करना ही बंद कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ग्रीन लाइन को लेकर जो मेजर इशू था कुछ समय पहले वो अब बहुत कम हो गया है, तो अब आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। OnePlus ही नहीं, सारे ब्रांड के स्मार्टफोन में देखने को ये इशू अब बहुत कम मिल रहा है, स्पेशली न्यू स्मार्टफोन में। OnePlus यूजर के साथ या कोई नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहा है और उसके मन में ग्रीन लाइन को लेकर ये इशू है तो उसके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।